ओके, थर्ड पार्ट इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स। इस पे हमको चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी को। तो हमने वापस कोई भी पॉइंट ले लिया, लेट से एक्स इज इक्वल्स टू ए पे चेक कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब चलिए, इसको समझने से पहले आपके पास दो स्टैंडर्ड लिमिट पता होनी चाहिए कि ई की पावर एक्स का अगर अपन एक्सपेंशन करते हैं तो इट इज 1 + x + x² / ((2) + x³/(3) एंड सो ऑन होता है। ऐसे ही e की पावर माइनस एक्स अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका एक्सपेंशन क्या होता है, 1 - x + x² / ((2) - x³/(3) एंड सो ऑन, यही होता है। तो चलिए, अगर ये बेसिक आपको स्टैंडर्ड लिमिट्स की सीरीज पता है तो इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमें क्या चाहिए एलएचडी और आरएचडी के लिए, ए माइनस एच, ए और ए प्लस एच। तो ठीक है, एफ ऑफ ए माइनस एच क्या बनाएगा, ई की पावर ए माइनस एच, ठीक है। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये तो है e की पावर a इंटू ई की पावर माइनस एच। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि e की पावर a तो है इसे e की पावर माइनस एच का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, 1 - h + h² / ((2) एंड सो ऑन, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। ये क्या निकाला अपन ने, f ऑफ a माइनस एच। अब f ऑफ a निकालते हैं, तो f ऑफ a x की जगह क्या रखना होगा, a। तो सिंपली इट इज e रेस टू द पावर a, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये एफ ऑफ ए निकल गया। थर्ड हम निकालेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच। ए प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह ए प्लस एच रखना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा ई रेस टू द पावर एक्स प्लस एच, सॉरी ए प्लस एच, ठीक है। अब इसको वी कैन राइट ई की पावर ए इंटू ई रेस टू द पावर एच, और इसको अगर मैं एक्सपेंड करूंगा जैसे मैंने प्रीवियसली किया तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन 1 + h + h² / ((2) एंड सो ऑन। मैं आगे की हायर ऑर्डर टर्म्स लिख ही नहीं रहा हूं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, देखना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एल एच डी निकाल रहे हैं। एल एच डी के लिए क्या चाहिए अपने को, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। तो इक्वेशन नंबर 1 से ए माइनस एच रखो, तो वो क्या है, ई रेस टू द पावर, मैं डायरेक्टली वैल्यू रख रहा हूँ। देखो ये लिखा हुआ है 1 - h + h² / ((2) अप टू इन्फिनिटिव, पीछे क्या होगा एफ ऑफ ए, तो वो ई की पावर ए आ गया, डिवाइडेड बाय क्या होगा माइनस एच, तो वो माइनस एच आ गया। देख लीजिए वैल्यूज पुट करी यहां पर अपन ने एक्सप्रेशन में एलएचटी के। अब इसको एक काम करते हैं, एलएचटी के लिए कॉमन ले लें, कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, देखो इसको मैं स्पेस बढ़ा लेता हूं जस्ट अ मिनट। ओके, अभी इनफ स्पेस है, इस पर अपन काम कर लेंगे। फाइन, न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ रहा है, ई रेस टू द पावर ए इज कॉमन, तो ये लिखा लिमिट एच टेंस टू जीरो ई रेस टू द पावर ए को मैंने ओवरऑल कॉमन ले लिया, तो ये बना 1 - h + h² / ((2) एंड हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ एच। और पीछे से भी क्या आ गया कॉमन मेरे पास, ई की पावर ए कॉमन लेते हैं, माइनस वन आ जाएगा सबसे लास्ट में। इसको और ढंग से समझना, मैं क्या लिख रहा हूं, मैं फिर समझा रहा हूं कि ये जो सीरीज चल रही है डॉट 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 वाली, ये तो चल रही है e की पावर की, और पीछे जो ये माइनस e रेस टू द पावर था इसको माइनस वन पीछे से लिया कॉमन, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा माइनस h। अब इसको सॉल्व करो, ये जो अपने पास प्लस वन है ये माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जितनी भी टर्म बच रही है उसमें से मैं माइनस h कॉमन ले रहा हूं, माइनस h अगर मैं कॉमन ले रहा हूं तो मेरे पास क्या बच रहा है, देखो लिमिट h टेंड्स टू जीरो e रेस टू द पावर a, तो देखो कांस्टेंट है और हमने पढ़ रखा है लिमिट में कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है तो सीधे बाहर मूव कर सकते हैं, तो उसको तो लिमिट के बाहर ले लिया, ये माइनस एच मैंने कॉमन ले लिया ऊपर से, तो माइनस एच कॉमन होने से क्या हो जाएगा कि सब साइन भी चेंज हो जाएंगे और पावर्स भी कम हो जाएगी। तो जब माइनस एच बाहर गया तो ये वन बन जाएगा, जब माइनस एच बाहर गया तो फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस में एच अपॉन फैक्टोरियल टू, या मैं बोल दूं कि वन के आगे जो बचेगी वो एच की हायर ऑर्डर टर्म्स बच जाएंगी, डिवाइडेड बाय माइनस एच। अब देखो माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो गया, अब लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करोगे तो यहां से लेके इसके आगे तक जितने भी होंगे वो सब एच की पावर्स होंगे, तो वो सब जीरो रिजल्ट करेंगे, एच टेंस टू जीरो पे सारे जीरो हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा एल एच डी की वैल्यू में, एल एच डी बचेगा अपने पास ई रेस टू द पावर ए इंटू वन, दैट इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर ए। मैं फिर समझा रहा हूं, ये जो पीछे वाली एच वाली टर्म से सारी की सारी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि उनके न्यूमरेटर पे क्या लग रहा है, उनके न्यूमरेटर पे एच लग रहा है। ये तो निकाल दिया अपन ने एलएचडी, अब निकालते हैं आरएचडी सेम अप्रोच से, मैंने इसीलिए पैरेलल में लिख रहा हूं कि सेम अप्रोच लगाते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो
एफ ऑफ ए प्लस एच, ए प्लस एच ऊपर लिखा हुआ है देखो, ई रेस टू द पावर ए, दिस इज वन प्लस एच प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटिव, पीछे लिखा हुआ है माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, तो यहाँ पर एच लिख दिया अपन ने। फिर अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो ई रेस टू द पावर ए, जैसे प्रीवियसली कॉमन लिया था वैसे कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा वन प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू प्लस अप टू इन्फिनिटिव टर्म तक तो ये जाएगा, और पीछे जो हमने कॉमन लिया वो माइनस वन आ जाएगा डिवाइडेड बाय व्हाट एच। अगली स्टेप में देखो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल उसी क्वेश्चन के अप्रोच पे चल रहे हैं अपन, ये ई रेस टू द पावर ए जो है वो कांस्टेंट है तो ये लिमिट से बाहर चला जाएगा, फाइनली हमारे पास क्या बच जाएगा एच टेंस टू जीरो, ऊपर एच कॉमन ले लिया जैसे पिछली बार लिया था, बचा क्या वन प्लस हायर ऑर्डर पावर्स ऑफ एच, एच की पावर्स बच गई बस आगे, डिवाइडेड बाय कितना हो गया डिवाइडेड बाय हो गया एच, ये एच से ये एच कैंसिल हो गया। अब लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करोगे तो एच की सारी हायर पावर जो है वो जीरो हो जाएंगी, क्या बचेगा आपके पास आफ्टर पुटिंग द लिमिट आर एच डी क्या निकलेगा, आर एच निकलेगा ई रेस टू द पावर ए इंटू वन, दैट इज अगेन इक्वल टू ई रेस टू द पावर ए। अब तुम देखो एल एच डी और आर एच डी दोनों की वैल्यू बोथ आर सेम, तो क्या लिखेंगे कि सिंस फॉर एपेक्स इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, दैट मीन्स फंक्शन वुड बी डिफरेंशियबल, ये डिफरेंशियबल होगा, देख लीजिए इसे, जो स्टेप समझ में नहीं आया उसको वापस रिवाइंड कर दीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पेन और पेपर पे लिख के देखिए, समझ में आ जाएगा आसानी से। लास्ट हमें क्या चेक करना है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, चलिए साइन एक्स भी कर लेते हैं। ये जो मेथड्स मैं बता रहा हूं आपको ये तो सब्जेक्टिव मेथड है, हम इनको आईक्यू से भी कर सकते थे, आईक्यू से कैसे करते हैं वो मैं अभी सिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, अभी एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा आईक्यू से। फोर्थ पार्ट इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स को चेक करना है, ठीक है, अगर साइन एक्स को चेक करना है तो एक काम करते हैं वही एक्स इज इक्वल्स टू ए पे चेक कर रहे हैं अपन, तो एफ ऑफ ए माइनस एच क्या हो जाएगा साइन में ए माइनस एच, ठीक है, एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए वुड बी साइन ए, और एफ ऑफ ए प्लस ए क्या हो जाएगा ए प्लस एच हो जाएगा साइन में ए प्लस एच, ठीक है। अब देखिए एल एच डी निकालते हैं, एल एच डी के लिए क्या चाहिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, मैं सिर्फ फॉर्मूला बोल रहा हूं लिख नहीं रहा हूं, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए वैल्यूज ऊपर से पुट करता जा रहा हूं डिवाइडेड बाय माइनस एच, ये तो एल एच डी हो गया, ठीक है, आर एच डी में क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच का फॉर्मूला लग जाएगा, इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको पता है कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन सी माइनस डी बाई टू इन टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, फॉर्मूले में इसीलिए साइड में लिखता जा रहा हूं ताकि तुम्हें याद होना चाहिए और वैसे याद होगा अगर तुम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो तो साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा टू साइन सी माइनस डी, मतलब ए माइनस एच तो है सी उसमें से माइनस करो डी डिवाइड बाई टू करो इंटू कॉस सी प्लस डी, तो सी क्या है ए माइनस एच प्लस कर दो ए डिवाइडेड बाय क्या कर दो टू, और होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा अपने पास माइनस में एच। और आगे चलते हैं एक और स्टेप लिमिट एच टेंस टू जीरो, देखो ये ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा टू साइन माइनस एच बाई टू डिवाइडेड बाय माइनस एच, और पीछे क्या बन गया कॉस ए माइनस एच बाई टू, सब कुछ तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है, ये दोनों के मल्टी डिवाइड में था तो मैंने एच को पहले वाले के साथ डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं इस फंक्शन को रीअरेंज कर रहा हूं, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं ये जो ऊपर टू है ना इसको डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना रहा हूं, तुम्हें पता है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बनाते हैं तो वो न्यूमिनेटर बन जाता है, तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं कि साइन में लिखा हुआ है माइनस एच बाय टू और डिवाइड में माइनस एच तो था ही सही और उसके डिवाइड में भी लिख दो टू। अब जब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो देखो अगली स्टेप में वापस टू ऊपर ही पहुंच जाएगा, लेकिन मेरे को बेनिफिट क्या हुआ वो मैं आगे समझाऊंगा इसके लिए। और अगले फंक्शन पे भी लिख दिया मैंने लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस ए माइनस एच बाई टू, यहां पर आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि ओके कॉस ए माइनस एच बाई टू, यहां पर स्टैंडर्ड लिमिट ये भी पता होनी चाहिए कि लिमिट अगर
x tends to 0, sin x upon x लिखा हुआ है, तो it is always equals to 1. ये पढ़ाया जाता है, और मेरे हिसाब से होगा यार. तो अगर मैं इस स्टैंडर्ड लिमिट से इस फंक्शन को कंपेयर करूं, तो देखो x tends to 0 पे ये वही लिखा हुआ है, sin x upon x. तो इसकी स्टैंडर्ड लिमिट से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. और अगर तुम यहां पर देखोगे RHS में, मतलब सेकंड वाला जो फंक्शन है, इसमें h tends to 0 रखोगे, तो यू वुड गेट सिंपली cos a. तो फाइनली LHD की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos a. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब इक्वेशन नंबर 2 पे आ जाते हैं, वही राइट में सॉल्व करके देखते हैं. RHD के लिए अब मैं थोड़ी स्टेप्स खाऊंगा. मैंने लिखा लिमिट h tends to 0, यहां पर क्या लिखूंगा, sin a plus h minus sin a divided by h. वापिस से लिमिट h tends to 0, वापिस से sin c minus sin d ही लगाना है, तो 2 sin c minus d by 2 into cos c, तो c is a plus h plus d by 2. ये मैंने लिमिट लगा दी, और ये मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले लिखे हैं उनको साइड में कर दिया. ठीक है, अब देखिए क्या बन रहा है, ये लिमिट h tends to 0, ये क्या बनेगा देखो. अच्छा, डिवाइडेड बाय h भी है, तो भैया उसको भूलना मत. अब a से a कैंसिल होके ये क्या बना देगा, वापस से ऊपर आ जाएगा sin h by 2. नीचे भी मैं h by 2 ही बना रहा हूं, जैसे मैंने प्रीवियसली बनाया था. मैंने क्या करा, इस 2 को उठा के और डिनोमिनेटर पे लगा दिया, और अगला फंक्शन भी ब्रेक कर दिया h tends to 0 पे. ये बन जाएगा cos a plus h by 2. ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं लिखा हुआ है लिमिट h tends to 0 fx into gx, तो आप उन दोनों पे अलग अलग लिमिट को लगा सकते हो. मतलब यू कैन राइट इट एज लिमिट h tends to 0 fx into लिमिट h tends to 0 gx. ये भी बेसिक प्रॉपर्टी है, जो भी कॉन्सेप्ट साइड में काम आ रहे हैं वो मैं लिख रहा हूं. अब देखिए लिमिट h tends to 0 sin x upon x क्या होता है, 1. तो ये 1 हो गया. h tends to 0 पे sin x upon x, क्योंकि देखो h tends to 0 रखने पे sin 0 upon 0 बन रहा है, तो it is 1. पीछे वाले में लिमिट रखो, तो ये कितना हो जाएगा, cos a. so finally RHD is equals to cos a. this is equation number 2. अब देखो from equation number 1 and 2, from equation number 1 and 2 what we get LHD equal to RHD. और अगर LHD equal to RHD होता है तो फिर क्या होता है, that means sin x will be differentiable. तो ये starting के question में जो 4 part थे, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आए होंगे. इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किस function का देखा, fx का, fx is equals to x का. देखो एक और चीज पढ़ाई जाती है, अगर इस क्वेश्चन को और सिंपलीफाई तरीके से करना था या ऑब्जेक्टिव अप्रोच में चेक करना था, तो क्या कर सकते हैं, हम फंक्शन के ग्राफ देख सकते हैं कि fx is equals to x का ग्राफ कैसा होता है. तो fx is equals to x का ग्राफ होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इसमें ना तो कोई कट होता है ना कोई शार्प एजेस होते हैं. इसका मतलब यस, इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट. फिर fx is equals to कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, तो कांस्टेंट फंक्शन, अभी मैंने बताया कि fx is equals to c पे कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन देता है, जो कभी नहीं टूटता है, जो कभी भी शार्प एज नहीं देता है. तो सेकंड वाले ग्राफ को भी आप देख सकते हो कि ये कंटीन्यूअस है. e raise to the power x का ग्राफ कैसा होता है वो भी तुम्हें पता है, आराम से बना सकते हो. sin x का ग्राफ कैसा होता है वो भी तुम्हें आता है, आराम से बना सकते हो. ये जो ग्राफ है इनको देख के तुम देख लोगे, ना तो इन पे शार्प एजेस है ना कोई कट है, ये अपने डोमेन में पूरे के पूरे कंप्लीटली डिफाइन है. इसका मतलब ये क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे x की हर वैल्यू के लिए. तो मेरे हिसाब से ये चारों जो पार्ट है ये आप लोग क्लियर हो गए होंगे. एक बार जहां कुछ समझ में नहीं आए, वीडियो को पॉज करके पेन और पेपर पे करके देखिएगा, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा. चलिए, थैंक यू.